हेलो दोस्तों, मैं हूं शकर और आप देख रहे हो टेक परी यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों का कुछ क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि यूआरएल एरर है साइट का। सो ये जो मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पे एक बंदा ने बोला कि यहाँ पे जो है यूआरएल एरर आ रहा है। तो चलिए ये वाला, ये जो वीडियो है ऑटोमेटिक इमेज स्लाइडर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे डायरेक्टली आपको आ जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, दैट इज techforyou.in वेबसाइट के ऊपर। आने के बाद यहाँ पे देखिए, इस आर्टिकल पे आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पे तो जो यहाँ पे जो कोड है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे यूआरएल एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जस्ट आपको जैसे कि वीडियो पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वैसे ही आप यहाँ से कॉपी करके आप इसको अपना वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोला यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यस आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई प्लीज़ मोबाइल से कैसे बनाएं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दो, कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो जैसे कि ये वाला वीडियो यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, मोबाइल से कैसे बनाए। तो मोबाइल में बहुत ही आसान है यार। मोबाइल पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लो, क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप वर्जन ओपन करके आप आसानी के साथ ये वाला स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से ही आपको डाउनलोड करना होगा। और वही वाला स्क्रिप्ट अगर यूज़ करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। सो वही वाला स्क्रिप्ट आपको यूज़ करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ये वाला एक मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें कि हाउ टू ऐड ईमेल सब्सक्रिप्शन विजेट्स इन ब्लॉगर। सो ब्लॉगर में ईमेल सब्सक्रिप्शन विजेट कैसे लगाते हैं, उसके ऊपर एक मैंने कोड प्रोवाइड किया था। उस कोड को आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर ब्लॉगिंग सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा वो वाला कोड। सो जैसे कि ओपन कर लेते हैं ये वाला। सो यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे ही लिंक मिल जाएगा इस आर्टिकल का। सो यहाँ पे आके कोड को जस्ट डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। कोई भी एक कोड अपना ब्लॉग पे यूज़ करना है, तीनों का तीनों कोड यूज़ नहीं करना है। उससे पहले आपको फीड बर्नर को इम्प्लीमेंट करना है अपना ब्लॉगर ब्लॉग पे। फीड बर्नर अगर इनेबल नहीं करोगे तो ये वाला कोई भी फायदा आने वाला नहीं है इस ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स से। सो फीड बर्नर अच्छे से अपना ब्लॉग पे लगा लो, उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो देख के फीड बर्नर को लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स अपना ब्लॉगर ब्लॉग पे लगाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो जुबिन भाई ने बोला है, नाइस वीडियो बट नीड मोर डिटेल्स। सो इस मुझे नहीं लगता है टॉप 5 जो हाईएस्ट पेइंग यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट का मैंने रिव्यू किया था वो आज भी टॉप 5 है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी भी fc.lc जो वेबसाइट है अभी भी $3 के आसपास CPM रेट दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। तो आप लोग जाके देख सकते हो टॉप 5 URL शॉर्टनर वेबसाइट के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था। सो यहाँ पे एक बोला भाई, स्क्रिप्ट ब्रोकन है, एप्लीकेशन एरर आ रहा है। सो भाई आप स्क्रिप्ट को अच्छे से डाउनलोड करो, क्योंकि स्क्रिप्ट तो मैंने अभी चेक किया तो ब्रोकन नहीं है, वो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफिक, सो यहाँ पे एक कॉमेंट आया है, आई गॉट $300 CPM, आई डोंट थिंक कोई भी एड नेटवर्क कुछ ऐसा CPM रेट देता होगा अभी। एडसेंस भी अभी तो फिलहाल इतना CPM नहीं देता है। सो यहाँ पे एक भाई ने क्वेश्चन किया, मेरे ब्लॉग में दो जगह पर एम आइडिया बटन हो गया है, ऊपर जो टेम्पलेट के साथ आया था और जानकारी ना होने के कारण मैंने नीचे, तो ये एडसेंस अप्रूवल के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सो भाई का यही क्वेश्चन है कि वो दो
जगह पे मतलब सोशल मीडिया बटन हो गया है। सो इसे एडसेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। एडसेंस अप्रूवल के लिए आपका कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए और क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, तो अप्रूवल मिल जाता है, उतना भी मतलब मुश्किल काम नहीं है। सो और ब्लॉग का डिज़ाइन सिंपल रखिए तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि मैंने एड नेटवर्क का रिव्यू किया, प्रोपेल एड्स नेटवर्क का, तो यहाँ पे भाई ने बोला कि पेमेंट अभी तक नहीं आया। सो भाई प्रोपेल एड्स का नेट 30 डे बेसिस पे पेमेंट होता है, मतलब अभी अगर इस महीने में आप अर्निंग करते हो तो नेक्स्ट महीने का 1 तारीख में पेमेंट आता है, और ये आपका 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पेमेंट देता है। तो पेमेंट आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। अगर नहीं आता आप वहाँ पर एक टिकट जेनरेट कर सकते हो प्रोपेल एड्स में। पेमेंट आने में प्रोपेल एड्स में आज तक मुझे कभी भी दिक्कत नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ऐड नेटवर्क है प्रोपेल एड, आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भाई ने बोला कि सर डोमेन वैलिडिटी कितना दिन तक देगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था हाउ टू ट्रांसफ़र ए डोमेन टू होस्टिंगर। सो याहू जो स्मॉल बिजनेस है, जो कि फ्री में मैंने डोमेन लिया था, उसको मैंने ट्रांसफ़र करके दिखाया होस्टिंगर पे। तो डोमेन वैलिडिटी आपको जो जितना भी डेज आपको 1 ईयर के लिए मिला था याहू स्मॉल बिजनेस के साथ, जितना दिन मिला था उसके साथ आपको फिर से 1 ईयर ऐड हो जाएगा। उस मतलब टोटल आपको होस्टिंगर में जितना भी प्लान ले रहे हो, 1 साल का अगर प्लान लेते हो तो 1 ईयर वहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे याहू स्मॉल बिजनेस का जितना भी बाकी है, बाकी जितना भी आपका बचा है डेज, वो भी ऐड हो जाता है। तो मुझे तो यहाँ पे 1.5 साल के आसपास मुझे डोमेन वैलिडिटी मिल गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, क्या हमको अपना साइट मैप फिर से बदलना होगा अगर हम ब्लॉगर से वर्डप्रेस में शिफ्ट करते हैं तो, और क्या क्या चेंज करना होगा। सो अगर ब्लॉगर से वर्डप्रेस में अगर आपका साइट को मूव किए तो वहाँ पे आपको साइट मैप, अगर XML पे अगर ब्लॉगर पे आप यूज़ करते थे तो आपको साइट मैप फिर से नहीं डालना पड़ेगा। जो ओल्ड वाला ब्लॉगर का साइट मैप होता था, अगर वो वाला आप यूज़ करते थे तो आपको फिर से नया से XML साइट मैप सबमिट करना होता है। सो आई होप कि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक भाई ने क्वेश्चन किया कि वेट टू डाउनलोड। सो जैसे कि स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिए। कैन वी यूज इट विथ एंड्रॉयड। सो ये वाला जो हेडफोन था, ये बहुत ही पुराना एक वीडियो है, और यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये अभी है या नहीं है। तो बाय द वे मैंने चेक किया, ये अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो अगर आपको मिलता है तो ले सकते हैं, मगर नया नया बहुत सारा अच्छा अच्छा हेडफोन अभी मिल रहा है, तो मुझे लगता है नया जो अच्छा हेडफोन मिल रहा है वो वाला आप ले सकते हो। यहाँ पे एक भाई ने पूछा कि अरे भाई ये साइट पेमेंट कब देता है। सो मैंने इस वीडियो पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ कि प्रोपेल एड्स नेट 30 डे बेसिस पे पेमेंट देता है, तो आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। सो दिनेश भाई पूछा है कि ये अभी तक चालू है या ये अभी तक चालू है क्या सर। फैक्ट है, काफ़ी अच्छा हेडफोन है और अभी तक चालू है। सो एक भाई ने क्वेश्चन किया कि एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि बताया था हाउ टू ऐड वेब पुश नोटिफिकेशन ऑन ब्लॉगर। सो भाई ने क्वेश्चन पूछा कि एक वीडियो ऐसा भी बनाओ जिसमें कि पुश नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद भी नोटिफिकेशन साइट पे शो नहीं हो रहा है, इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व करे। सो
पुश नोटिफिकेशन अगर आप मेरे वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप लगाए हो अपने साइट पे, तो आपको नोटिफिकेशन शो होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा यूज़र ने इसको इम्प्लीमेंट किया एंड काफ़ी अच्छे से नोटिफिकेशन शो हो रहा है। तो इसमें अगर आपका दिक्कत आ रहा है तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए एंड अच्छे से अपना वेबसाइट के ऊपर जाके अपना ब्लॉगर साइट के ऊपर जाके आप अच्छे से लगाइए, कोड को ठीक जगह पे प्लेस करिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई फ़ोन पर गेम खेलते हैं तो साउंड के साथ माइक भी वर्क करेगा? नहीं भाई, इसमें दो अलग अलग ये मिलता है, वेयर मिलता है, तो वहाँ पे साउंड के साथ माइक एक साथ में काम नहीं करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, भाई कौन सी होस्टिंग यूज़ कर रहे हो? सो मैंने ये जो URL Shotnap वेबसाइट रन कर रहा हूँ उसमें मैं नेमचिप का होस्टिंग यूज़ करता हूँ और नेमचिप का CR होस्टिंग ही यूज़ करता हूँ, तो उसमें भी दिक्कत मुझे नहीं आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे से रन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, थैंक यू, फ्यूचर में इशू नहीं आएगा ना? सो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था हाउ टू क्रिएट प्राइवेसी पॉलिसी पेज इन वर्डप्रेस। सो वर्डप्रेस में कैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो फ्यूचर में कुछ इशू नहीं आएगा ना, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा मैं एक भाई ने। सो नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत आज तक मुझे नहीं मिला है, सो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सर मेरे एक एडल्ट स्टोरी साइट है, उसके ऊपर कौन सा एड नेटवर्क सही रहेगा? सो अगर स्टोरी साइट है, अगर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आपको डायरेक्टली ई एड्स का एड्स लगाना है। ई एड्स का एड्स काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है एंड अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है ई एड्स का एड्स से। सो आप ई एड्स का एड्स यूज़ करिए। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, स्टोरी साइड में पॉप एड्स मत यूज़ करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हेलो सर, मेरे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, अगर मैं इस कोड को पेस्ट करूँ लाइव स्कोर दिखाने के लिए तो कॉपीराइट इशू तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, यहाँ पे कॉपीराइट कोई भी इशू नहीं आया है मुझे, मैं भी कुछ दिन लगा के रखा था, तो उसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोल रहे हैं मेरा साइड नहीं हो रहा है। सो मैंने जो हाउ टू इजीली ऐड इमेज स्लाइडर इन ब्लॉगर ये वाला वीडियो बनाए थे, तो यहाँ पे बताए थे कैसे आप इमेज स्लाइडर अपना ब्लॉगर वेबसाइट पे लगा सकते हो। जस्ट इस कोड को अच्छे से लगाइए एंड ठीक जगह पे लगाइएगा तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आपका थीम अगर सही है तो आपको स्लाइडर ऑब्वियसली दिखाई देगा, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। मेरे चैनल में ओनली फ्री फायर गेम खेलता हूँ बट तो भाई चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी गाइडलाइन आएगा या नहीं? ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अगर फ्री फायर गेम खेलते हो तो कोई भी इशू नहीं आया है। बहुत सारा ऐसा फ्री फायर का चैनल है और गलती से कभी कभी आ जाता है, तो अपील करिएगा अगर आप सही हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। हे ब्रो, कैन यू सेंड योर थीम लिंक फॉर मी रेफरेंस? अच्छा, मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक, सो उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि एक वर्डप्रेस थीम है और जो एडसेंस रेडी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला सर 10 MB XML फाइल इंपोर्ट नहीं हो रहा है वर्डप्रेस में, क्या करें? सो वर्डप्रेस में उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 10 MB से ज़्यादा अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे वेबसाइट के ऊपर 500 एरर आ रहा है। अच्छा, तो अब ठीक से अगर कोड इम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसा एरर नहीं आने वाला है। सो कोड को अच्छे से
इम्प्लीमेंट करना है और ठीक जगह पे इम्प्लीमेंट करना है तो कोई भी एरर नहीं आएगा। क्योंकि मैं कोई भी कोड को आप लोगों के सामने लाता हूँ बहुत बार टेस्टिंग करने के बाद, 4-5 बार टेस्टिंग करने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने कोड लाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोड बना के दे देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि कैन वी यूज़ फॉर ऑनलाइन क्लासेस। सो ये जो मैंने हेडफोन का रिव्यू किया था बहुत साल पहले, उसका बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो हेडफोन है इसको ऑनलाइन क्लास के लिए आप यूज़ कर सकते थे, मगर मुझे नहीं लगता है अभी ये हेडफोन उतना यूज़फुल है। सो एक माइक ले लीजिए, बोया का एक माइक अगर ले लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका होगा। सो अच्छा वाला माइक होना चाहिए, एक ऑनलाइन अच्छा अगर क्लासरूम का क्लास लेते हो तो एक अच्छा वाला माइक आप ले लीजिए। बोया का माइक आप ले सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया तो वहाँ से आप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे एक भाई ने पूछा कि भाई आप भाई पॉप एड्स पर सेल्फ क्लिक होगा। सो दोस्तों पॉप एड्स पे सेल्फ क्लिक होगा या नहीं होगा मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि सेल्फ क्लिक आप कितना करोगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अगर एक छोटा मोटा ब्लॉग बना के उसको अगर थोड़ा बहुत रैंक भी कर लेते हो, अगर आपका पर डे का 2000 भी विजिटर आता है तो भी आपका अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा पॉप एड से। सो सेल्फ क्लिक के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको कुछ करना है तो आप ब्लॉगिंग से करो, ब्लॉग बनाओ, सेल्फ क्लिक मत करो। मुझे नहीं लगता है सेल्फ क्लिक उतना इफ़ेक्टिव है, और सेल्फ क्लिक आप कितना करोगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना ब्लॉग पे ध्यान दो, आर्टिकल लिखो, अच्छा अच्छा आर्टिकल लिखो, एंड रैंक इतना मुश्किल नहीं है, 6-7 महीने के अंदर ही आपका ब्लॉग रैंक हो जाता है। और अगर आपका एक ब्लॉग रैंक हो गया तो रीडायरेक्शन बहुत सारा मेथड होता है, वहाँ से आप दूसरा ब्लॉग में ट्रैफिक भी ला सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रो, यूट्यूब पर भी एड लगा सकते हैं क्या? एस्टेरा एड्स नेटवर्क, ये सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, मतलब जो कंटेंट डाउनलोडिंग साइट है उसके लिए मैंने बनाया था ये। इसका एड आप यूट्यूब में नहीं लगा सकते हो, और यूट्यूब का बहुत सारा एडसेंस के अलावा भी एमएनसी है, मगर मुझे लगता है यूट्यूब पे एडसेंस ही बेस्ट है। सो कोशिश करो एडसेंस का एड यूट्यूब पे लगाने के लिए, दूसरा कोई भी एड नेटवर्क पे ज्वाइन मत करो। क्योंकि बहुत सारा मेरे साथ बात होता है, बहुत सारा यूट्यूबर का, उन लोगों का एमएनपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें बहुत सारा दिक्कत आता है। तो YouTube में मेरे हिसाब से एडसेंस ही बेस्ट है। सो दोस्तों, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बता सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा हर महीने एक कमेंट, जो भी महीने भर का कमेंट होगा उसका आंसर देने का। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।